करेंगे, इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे इस पेज के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना ने दोस्तों फ्राइडे को है ना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि तिब्बत के अंदर है, और लासा जो है तिब्बत की कैपिटल मानी जाती है, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पास के बॉर्डर पे एक गांव है मतलब ओके नियांचिंग, उस गांव तक का जो है इन्होंने चला दिया है। यहां पे बात करें 453 किलोमीटर की है ये रेलवे लाइन, 2014 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, मात्र 6 साल के अंदर इन्होंने बुलेट ट्रेन जो है वो उसका काम है जो कि पूरा किया। ठीक है गाइस, इसके अलावा कैपिटल जो है उसको यहाँ पे इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के पास तक कर दिया। 90% जो ट्रैक है वो 3000 मीटर की हाइट के ऊपर है, आप देख सकते हैं कितना मुश्किलों से जो है इन्होंने 6 साल के अंदर इस काम को पूरा किया होगा। यहाँ की फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन है, इलेक्ट्रीफाइड भी है, हाई स्पीड रेल। एक्चुअली के अंदर चाइना में क्या होता है, जो हाई स्पीड रेल होती है ना उसी को ये लोग बुलेट ट्रेन कहते हैं, समझ गए। इसकी स्पीड कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, अच्छी खासी स्पीड है मतलब। और चाइना जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो कि आपको मालूम है उसने बना रखा है। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ लासा तक नहीं है, और भी आगे तक का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको अभी स्टार्ट जो किया गया है वो लासा से वहां तक किया गया है अपने अरुणाचल प्रदेश के पास में। आने वाले टाइम पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इनको बहुत सारी चीजें लेके आने में बहुत आसानी होगी अरुणाचल तक, समझ रहे हो। तो बहुत खतरनाक जो है ये काम कर रहा है चाइना। हमारी बुलेट ट्रेन के ऊपर भी बात हो रही है बहुत सालों से, लेकिन अभी तक जो है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाया जिस तरीके से बात करी गई थी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की। अभी तक तो सिर्फ लैंड एक्विजिशन के ऊपर ही मुद्दे चल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो हमारे वाले बुलेट ट्रेन के वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, इसी के ऊपर जो है अगला टॉपिक होने वाला आपका इंडिया करंट अफेयर पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे इस वाले मुद्दे पे, साथ में इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहां तक पहुंच चुका है और ये जो है इंडिया के लिए कितना डेंजरस है। डेफिनेटली जब हम अरुणाचल प्रदेश के पास तक ये लेके आ गया तो हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। ठीक है गाइस, इसके अलावा इसने और भी कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर है ना उसके पास में जो है हाईवे भी बनाया था अभी कुछ टाइम पहले, वो भी इनका एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। ओके, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 1100 किलोमीटर का है, लेकिन उसमें 450 किलोमीटर इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बाकी 2030 तक का ये प्रोजेक्ट है जो कि ये कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं 435 किलोमीटर का ये रूट है। ओके गाइस, इसको क्या बोलते हैं, सिंचुआन तिब्बत रेलवे है जो कि इनके द्वारा कहा गया है, सेकेंड रेलवे जो कि तिब्बत के अंदर स्टार्ट है इनके द्वारा किया गया है। चलिए मैप दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए मीडोंग नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश के काफी करीब है जो कि माना जाता है। हम लोग जो है चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर का बाउंड्री है जिसको अपन लोग एलएसी और मैकमोहन जो है कहते हैं, वो हम लोग इनके साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, तो एक कन्वीनियंस के लिए जो है इनको काफी बेनिफिट है जो कि यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं मतलब कितनी लॉन्ग 1800 किलोमीटर